कर्मातीत बनना है तो पहले स्वराज अधिकारी बनना होगा। स्वराज अधिकारी में भी बाबा मुख्य दो बातें कहते हैं, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। जब बाबा रूलिंग पावर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारी जो सर्व कर्मेंद्रियाँ हैं, सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं, वो हमारे आदि अनादि संस्कारों के ऑर्डर से चलें, है ना। और जब हम कहते हैं रूलिंग पावर नहीं है तो इसका मतलब है जो मध्य में संस्कार बनाए हैं ना, जो कल द्वापर योगी कलयुगी संस्कार हैं, वो हमारी कर्मेंद्रियों को डोमिनेट कर रहे हैं या वो हमें चला रहे हैं। तो ये सिंपल सी रूलिंग पावर की बात है। अब हम अपने आप को देखें ज्ञान प्रकाश में कि कौन कौन से संस्कार हैं हमारे द्वापर युग से लेकर कलयुग तक बनाए हुए, जो आज भी हमारी मन को, बुद्धि को, निर्णय को, समझ को, कर्मों को, चॉइसेस को अभी भी इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। तो जैसे आज तो बाबा हमें कहते हैं मुख्य व्यर्थ का संस्कार और आलस्य का, लेकिन मैं समझती हूँ व्यर्थ और आलस्य के अलावा भी बहुत सारे संस्कार हमें डोमिनेट करते हैं। जैसे मेरे को खास अभी 2-3 दिन से ऐसे चल रहा था कि हम जब कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसका कहीं कितना पोर्शन या कितना उस पर भय का प्रभाव होता है, है ना। तो कई बार ऐसे सोचते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो उस आधार से भी हम अपने निर्णय को बहुत चेंज करते हैं। माना अगर वैसे पूछा जाए तो कहेंगे हाँ ये करना बेस्ट है, लेकिन फिर ये करें तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए वो सेकंड बेस्ट को चुनते हैं। तो जो ज्ञान के आधार से या जो समझ के आधार से ये भी मालूम है कि ये बेस्ट है, ये करना चाहिए, लेकिन उसको छोड़कर कोई और ऑप्शन लेंगे, क्योंकि भय जो है वो निर्णय को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ड्रामा तो बना बनाया है, और आपके कुछ सोचने से ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वो नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। जो होना है वो तो होगा ही, और वो भी होगा और आपको रिग्रेट भी होगा कि ये भी हुआ और मैंने उस अनुसार, जो शिव बाबा की श्रीमत अनुसार, मैंने कर्म भी नहीं किया। तो बाबा कहते क्या होगा क्या नहीं होगा उसके भय में तुम अपने आज के निर्णय को चूज़ मत करो। जो बात हमें समझ आ गई बाबा के ज्ञान से और श्रीमत से कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो नहीं करना है। जो नहीं करने की बात है वो नहीं करना है, और जो करने की बात है वो करना है। और जब कोई बात हो जाती है तो उसके बाद भी नहीं सोचना है कि ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, है ना। कल्प कल्प ये होता है, इसके लिए इतना सोचना नहीं है, और हमें श्रीमत पर चलकर अपना भाग्य बनाना है। तो भले ही अल्पकाल में देखेंगे तो रिजल्ट ठीक नहीं हुआ, लेकिन सदाकाल का देखेंगे तो बाबा की श्रीमत को माना तो वो खाता मेरा जमा हुआ। तो इन बातों को भी हमें चेक करना है कि कई बार भय के आधार से, जैसे मुझे एक बार एक माता कहती थी कि मैं सेंटर जाती थी तो एक दिन मेरे युगल नाराज़ होके घर छोड़ के चले गए।
बोले तुम सेंटर जाना बंद नहीं करेंगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। तो वो छोड़ के चले गए, फिर घूम घाम के आ गए सुबह, ठीक है ना। और कहती लेकिन उस दिन के बाद मैं सेंटर नहीं गई, क्योंकि मुझे एक डर बैठ गया कि अगर मैं अगली बार जाऊंगी तो ये घर छोड़कर फिर चले जाएंगे। तो अब आप देखो कि ये जो भय है ना, तो बाबा हमें कहते हैं कि जो होना है वो होगा, है ना। उसमें आप ये क्यों सोचते हो कि, और देखो ये जो ड्रामा की भी बात है, अगर रियली कुछ ड्रामा में नूंद है तो आप उसको इस प्रकार से तो अवॉइड नहीं कर सकते ना, कोई भी कारण से हो सकता है। तो उस भय से मुझे अपनी चॉइसेस को चेंज नहीं करना है। तो मैंने उनको कहा, उस माता को, कि ठीक है मान लो जो भी आपके अंदर चला, आप सेंटर भी नहीं आते, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इस बात की तकलीफ़ है या ये बात आपको परेशान करती है? तो कहते हैं हाँ मुझे बहुत परेशान करती है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बात मेरे संकल्प में हमेशा रहती है। तो आप सोचो कि जो बात आपको समझ आ रही है, हाँ एक होता है कि हमारे बुद्धि काम नहीं कर रही, हमें लग रहा है ठीक है ये बेस्ट चॉइस है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको पता चल रहा है कि ये होना चाहिए, पर भय के कारण वो ना करें तो अंदर दिल खाएगी ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे कर्म हमें नहीं करने हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि स्वराज अधिकारी माना कोई भी ऐसा संस्कार जो द्वापर युग से कलयुग तक हमने बनाया, वो हमारे और हमारे श्रेष्ठ कर्मों के बीच में ना आए, है ना। जैसे आप देखो ब्राह्मण जीवन में भी हमें नंबरवार बातें समझ में आती हैं, सबको सब कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो जो हमें समझ में नहीं आता वो हमारा ड्रामा है उसको बाबा कहता है वो तकदीर है, उस तकदीर से नहीं लड़ सकते, है ना। क्योंकि कई बार मुझे याद है जब पहले पहले मैं ज्ञान में आई, तो आपको ऐसा लगता है ना कि जो आपको समझ में आता है वो सबको समझ में आ जाए। तो मैं भी बहुत, कोई ना समझे तो बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ज़्यादा समझाने से ज़्यादा नहीं समझ आएगी। हाँ अपनी जो ड्यूटी है वो हम करते रहते हैं, स्टेज पे बैठे तो वो जो सुनाना है वो सुनाएंगे, लेकिन बाकी ऐसा नहीं है कि आपके ज़्यादा समझाने से वो ज़्यादा समझेगा, जो उसकी तकदीर में है वो उतना ही समझेगा, ये भी एक फैक्ट है। और हम भी उतना ही समझते हैं जितना हमारी तकदीर में, हमें भी कोई कहे कि आप इससे ज़्यादा समझ जाओ तो हाँ मे भी कल समझ जाएंगे, आज इतना ही समझ रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि वो तो तकदीर की बात है, लेकिन पुरुषार्थ की बात क्या है कि जो आपको समझ में आया वो आप करें ना, जो आपका जानना मानना चलना है ना, या समझना और चलना आप समान बनाए, ये बड़ी बात है, ये पुरुषार्थ की सब्जेक्ट है। और जब हम कहते हैं कि समझ में ये आता है पर करते ये हैं, तो इसका मतलब है कि स्वराज अधिकारी नहीं है ना। समझ में ही नहीं आता है वो स्वराज अधिकारी नहीं होता वो तो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मुझे एक बात समझ में आती है और मैं उसको ना करके दूसरी बात करती हूँ, उसको कहते हैं स्वराज अधिकार की कमी है। क्योंकि आप देखो सारे स्वराज अधिकारी भी राजा नहीं बनेंगे, है ना। हम अपनी अपनी स्वराज अधिकारी की स्टेज पे सेट होंगे तो कल हमें हमारा पद मिलेगा, हमें जो विश्वराज में जो भी पद हम डिजर्व करते हैं वो हमें मिलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि चेक करो
कि आप जो चाहते हैं करना, जो समझते हैं उचित करना और जो करते हैं, उसके बीच में कौन से संस्कार आते हैं, है ना। जैसे बाबा ने कहा ना कि व्यर्थ का संस्कार, तो क्या होता है कि सोचेंगे कि हम योग करें, आज 4 घंटे योग करें, और 4 घंटे योग नहीं हुआ और पूछो कि क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो कहेंगे वो जो व्यर्थ सुनने देखने की सोचने की आदत है उस कारण से नहीं हुआ। कहाँ बिजी थे, तो व्यर्थ देखने सुनने सोचने में बिजी थे, कोई बड़े काम में बिजी नहीं थे ये व्यर्थ सुनने सोचने देखने में बिजी थे। तो बाबा कहते ये जो हमने संस्कार बनाए हैं, टाइम पास करना है, टाइम पास करना है कर करके, जो टाइम वेस्ट करने के संस्कार बनाए हैं, उन संस्कारों के कारण कई बार ऐसा होता है कि सोचते कुछ है करते कुछ है ना। हम भी सोचते हैं कई बार कि अच्छा आज तो ये करेंगे, लेकिन फिर देखते हैं कि है ना कोई आया तो बात कर रहे हैं, तो कई बार थोड़ी एक्स्ट्रा हो गया किसी को 45 मिनट्स देने दे, 1 आवर हो गया, तो वो भी क्या है कि वो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो व्यर्थ के संस्कार हैं ये सबके अंदर नंबरवार हैं, और वो संस्कार हमें एग्जैक्टली वो नहीं करने देते। जैसे आप देखो लोग टाइम टेबल बनाते हैं और फिर उस टाइम टेबल के हिसाब से चल नहीं पाते, है ना। टाइम टेबल किसके लिए बनता है, दीवार के लिए, अपने लिए नहीं तो वो टाइम टेबल दीवार के लिए बनाया और टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल रहे, तो क्या होता है जो बीच में आपको चलने नहीं देता, तो व्यर्थ का संस्कार। मुझे एक बार एक कन्या आती थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग एक बात कहती है, तो मुझे कहती है कि आजकल ना कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा क्यों, पुरुषार्थ ठीक नहीं चल रहा है, तो कहती नहीं पुरुषार्थ तो अच्छा चल रहा है। तो मैंने कहा फिर क्या अच्छा नहीं लग रहा, तो कहती वो पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी खराब नहीं कर रहे हैं, कुछ भी वो वाला नहीं कर रहे हैं ना जो करते थे, तो ऐसा लगता है जैसे लाइफ ख़त्म हो गई है, क्या है अभी जीवन में, हम ऐसे इतने डिसिप्लिन हो गए। तो आप सोचो कि फिर कहती कभी कभी तो वो जो थॉट है अंदर कि कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे, वो इतना हैवी करता है खुद को कि ऐसा लगता है कि ये छोड़ के कुछ वेस्ट कर ले अभी। तो आप सोचो कि व्यर्थ का संस्कार कितना बड़ा संस्कार है और कितना उसका हम पर प्रभाव है। तो बाबा हमें कहते हैं कि माया इस प्रकार से हमें बहुत ठगती है, क्योंकि व्यर्थ जो है ना वो लगता ऐसा है कि क्या है, बस वेस्ट ही तो है, कुछ नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन बाबा हमें कहते हैं ये माया का सबसे बड़ा अस्त्र है और अंत के समय पर ये हमारा सबसे ज़्यादा जो संगम युग का समय संकल्प वेस्ट कराकर माया हमें धोखा देगी, क्योंकि नेगेटिव से तो बच्चे फिर भी सावधान हो जाते हैं, लेकिन इस स्वरूप से माया हमें छल देती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये संस्कारों को हम देखें, जैसे आप सोचो कि कई बार मधुरता का संस्कार इमर्ज रूप में नहीं है, तो आप चाहते कुछ हैं, आप जब योग करते हैं तो आप पिक्चर जो बनाते हैं या विजुअल बनाते हैं वो ये है कि हम हर एक संबंध में इस प्रकार से बोलेंगे, इस प्रकार से चलेंगे, लेकिन जब कर्मों में आते हैं तो मधुरता के ऑपोजिट जो संस्कार हैं वो सब इमर्ज हो रहे हैं, क्रिटिसिज्म, जजमेंट, है ना, और उस आधार से आपके संकल्प भी चल रहे हैं, बोल भी चल रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं वो जो आदि अनादि संस्कार प्रभावी होने के जगह जो द्वापर युग से संस्कार बनाए उनका ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जब हम
आपको, मुझे नहीं पता कि उस बुक का क्या नाम है, मुझे कोई बता रहे थे वो बेस्ट सेलर है। तो उस बुक में अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में बताया गया है, और उसमें वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए क्या करो, रोज़ अगर आपने सोचा है कि मुझे अपना बिस्तर बनाना है ना, उठकर अपने बेड को सेट करना है, तो उस बेड को सेट किए बिना नहीं कमरे से निकलो। तो अगर आप उतना भी रोज़ करेंगे तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हाई होता जाएगा। तो आप सोचो कि संकल्प को जब हम कर्म में लाते हैं, कोई भी संकल्प, तो हमारे कॉन्फिडेंस हाई होता है अपने प्रति, जिसको बाबा हमें कहते हैं स्वमान ऊंचा होता है। और जब आप संकल्प कुछ रखते हैं और होता उसका ऑपोजिट है, तो अपने अंदर स्वमान घटता जाता है, आपका खुद पे से फेथ घटता जाता है, आपको ऐसा लगता है जैसे उसके बाद अगली बार कोई संकल्प भी लेंगे ना, तो संकल्प के साथ यही अंदर रहता कि सोच तो रहे पर हमसे होता तो कुछ है नहीं, है ना। या सामने वाला भी कह देता है कि आप ऐसे तो 50 प्लान दिन में बनाते हैं, आपसे कुछ होता तो है नहीं, या वो भी ना कहे, तो अपने अंदर से ही आता है कि सोच तो लिया पर हमसे होगा नहीं, तो उस संकल्प में भी बल नहीं रहता। और आप सोचो कि अगर ये हाल है कि हमारा खुद पे भी ट्रस्ट नहीं है, तो सतयुग में हम राजा कैसे बनेंगे, हर एक का ट्रस्ट या फेथ कैसे जीतेंगे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अपने संकल्पों को, श्रेष्ठ संकल्पों को हम कितना कर्मों में ला पा रहे हैं, या बाबा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं उस आधार से हम अपनी मनसा वाचा कर्मणा चल कितना पा रहे हैं, और कहाँ बीच में जो पुराने संस्कार हैं द्वापर युगी कलयुगी वो बाधा डाल रहे हैं वो चेक करना है। और बाबा कहते हैं अलबेलेपन का भी एक संस्कार है, आजकल इसको कहते हैं हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना, कल कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, टालते रहना टालते रहना टालते रहना, है ना, कल से कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं ये भी एक हमने संस्कार बनाया है, हर श्रेष्ठ संकल्प को टालते रहना। तो बाबा कहते हैं वो संस्कार भी बीच में बहुत बाधा बनता है। सोचते हैं, देखो शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है, कहते हैं कि रावण स्वर्ग को सीढ़ी बना सकता था ना, ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि रावण के पास इतना नोहाव था कि वो स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता था, पर वो कल कल करता रहा, कहते वो कल कल करता रहा। तो आप सोचो कि ये कल कल करना कितना बड़ा माया का अस्त्र है ना, हर दिन सोचते हैं ये करेंगे और फिर उसको टाल देते हैं, कल करेंगे। अब अंदर क्या रहता है, छोड़ा थोड़ी है, कल करेंगे, है ना। एक बहन जो है 3 महीने क्लास नहीं आई, तो मैंने उसको पूछा कि आप हमें छोड़ दिए, बिल्कुल बाबा को छोड़ दिए, ऐसा लिखा मैंने उसको, तो मुझे कहती नहीं छोड़ा नहीं है, थोड़ा गैप हो गया है, अभी बिल्कुल आ रही हूँ, मतलब बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ मैं, अभी कल की कल आ जाऊँगी, 1.5 साल हो गया नहीं आई है ना। तो ऐसे कल कल करते, जैसे कल चले जाएंगे टालते टालते, और अभी भी उसके मन में क्या है, मैं वहीं की हूँ, अभी कल चले जाऊँगी, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा, देखो 1.5 साल वेस्ट हो गया और अभी भी क्या सोचते हैं कि कल चले जाएंगे, कल कर लेंगे। तो बाबा हमें कहते कि ये भी एक बहुत बड़ा संस्कार है, और बाबा ने हमें मुरलियों में ये बात सावधानी चेतावनी के रूप में सुनाई है कि अंत के समय बड़े संस्कार हमें तंग नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े संस्कारों पर हम विजय पा चुके होंगे, काम क्रोध भी हम विजय पा कर बैठेंगे,
लेकिन ये जो आलस्य अलबेलेपन के संस्कार है ना, ये हमें बहुत धोखा देंगे, है ना। और मेजॉरिटी आप देखेंगे ब्राह्मण पाप नहीं कर रहे उस रूप से, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो पाप से डरते हैं कि हमसे कोई काम क्रोधवश कर्म ना हो जाए, या हम ऐसा कोई कड़ा शब्द किसी को ना कह दें। लेकिन इस बात में ब्राह्मण फंस जाते हैं कि आलस्य अलबेलेपन में हम टाइम वेस्ट और थॉट वेस्ट, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि जब ये जो संस्कार, ये आलस्य अलबेलेपन वाले व्यर्थ के संस्कार हमें धोखा देते हैं, तो इसको भी गिना किस में जाएगा? नेगेटिव के अकाउंट में। क्योंकि नेगेटिव माना सिर्फ वो नहीं होता कि जो नहीं करना चाहिए वो किया, पर नेगेटिव वो भी होता है कि जो करना चाहिए वो नहीं किया। जैसे बाबा ने अभी शायद कल की मुरली या परसों की मुरली में था, बाबा ने कहा बाबा को याद नहीं किया वो भी पाप का खाता बनता है, है ना। तो हम सोचते हैं पाप माना बस जो नहीं करना चाहिए था वो किया तो पाप बना, लेकिन बाबा कहते नहीं, इतनी पालना लेकर जो श्रीमत दी वो नहीं किया, ये भी पाप बनाता है। हाँ, ये भी पाप है कि हम बाबा की इतनी पालना लेकर बाबा के यज्ञ से, और फिर हम वो भी ना करें जो बाबा हमें करवाना चाहते हैं या जो श्रीमत देते हैं। तो इसीलिए इस बात से बाबा हमें आज सावधान कर रहे हैं, रूलिंग पावर की कमी की तरफ बाबा इशारा दे रहे हैं। और रूलिंग पावर को कैसे बढ़ाएं? तो बाबा हमें कहते हैं कि जो कमज़ोर संस्कार है, द्वापर युगी, कलयुगी, उनको ऐसे मारपीट के भगा तो सकते नहीं हैं है ना। तो संस्कारों का सिंपल सा नियम है कि अगर आपको कमज़ोर संस्कारों को मर्ज करना है तो आपको पावरफुल संस्कारों को इमर्ज करना होगा। अगर आपको भय के संस्कार पर विजय पानी है तो आपको निर्भयता का संस्कार इमर्ज करना होगा, है ना। और निर्भयता का संस्कार कैसे आता है? जितना आप आत्मा, बाबा और ड्रामा के ज्ञान को जब अपने अंदर धारण करते हैं तो निर्भयता का संस्कार इमर्ज होता है। तो बाबा कहते ऐसे ही हर संस्कार को जो कमज़ोर है, पतित है, उसको मर्ज करने के लिए पावरफुल संस्कारों को इमर्ज करना होगा। और उसका सिंपल, सबसे इजी तरीका क्या है? बाबा के याद में अपने आप को बाबा के गुणों, शक्तियों, स्वरूप अनुभव करना, है ना। बाबा कहते हैं कि जब तुम मुझे याद करते हो तो किस रूप से याद करते हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ, और मैं कौन हूँ? मैं ज्ञान गुण शक्ति का सागर हूँ, तो तुम कौन हो? मास्टर सागर हो, है ना। तो उस स्वरूप में अपने को अनुभव करना बाबा की याद के बल के द्वारा। हम कई बार योग करते हैं, बच्चे तो अटेंशन नहीं देते, तो क्या करते हैं? बस बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं कौन हूँ? भिखारी। तो मैं कौन हूँ? मैं भी बाप समान बाबा का बच्चा हूँ, बालक सो मालिक हूँ। मैं बालक, बाबा की हर क्वालिटी, हर गुण, हर शक्ति का मालिक हूँ। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो अपने आप को भी बच्चे की पोजीशन में रखना होगा। और बच्चा माना कमज़ोर, नालायक नहीं, बच्चा माना बाप समान। तो इसको भी समझ से याद में, इस बात को समझ से याद का स्वरूप बनना है। और बाबा कहते बाबा की याद में जो पावर समाई हुई है उस पावर को अनुभव करना है। और जितना अपने को, जैसे बाबा कैसे, बाबा से कोई व्यर्थ होता है क्या? है ना, बाबा तो एक भी व्यर्थ बोल या व्यर्थ संकल्प या कोई भी व्यर्थ
समय गवाना, बाबा तो ऐसा कुछ नहीं करते। तो जब हम बाबा के सम्मुख बैठते हैं तो हमें भी, मैं निर्विकल्प हूँ, निर्व्यर्थ आत्मा हूँ, मेरा हर एक संकल्प, श्वास, मेरा हर एक कर्म सफल है। तो बाबा को उस प्रकार से हमें याद कर और अपने को भी बाप समान स्थिति में स्थित कर उन गुणों को इमर्ज करना है। और जितना हम इस स्वरूप में रहेंगे तो बाबा कहते स्वराज अधिकारी बनते चले जाएंगे। और बाबा ने आज कहा कि बाबा की पावर अनुभव होती है, फिर दूसरा पूछा सदा होती है, क्योंकि बाबा के साथ पावरफुल स्थिति में भी रहते हैं लेकिन सदा नहीं रहते। तो बाबा कहते हैं अब सदा को अंडरलाइन करो, तब स्वराज अधिकारी बनेंगे। क्योंकि आप देखो, बच्चे क्या कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी उतर रहे हैं, प्रैक्टिकली वहीं ठहरे हुए हैं, है ना। तो स्वराज अधिकारी बने तब तो कर्मातीत बने, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो भी बातें, पुराने हिसाब किताब हमारे सामने आते हैं, हम अपने श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज कर उन हिसाब किताब को चुप्त करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, तब तो जाके कर्मातीत बनेंगे। अब हमारे सामने हिसाब किताब आ तो रहे हैं, अब उन हिसाब किताब को हम स्वराज अधिकारी बन चुक्त कर रहे हैं या फिर पुराने संस्कारों वश और बढ़ा रहे हैं, ये हमें देखना है। और जब तक हम एक्यूरेट युक्तियुक्त कर्म नहीं करेंगे तो वो चुक्त कैसे होंगे और कर्मातीत कैसे बनेंगे। और फिर बाबा कहते हैं तुम्हें साथ जाना है कि पीछे पीछे जाना है ना। तो अगर साथ जाना है तो समान बनना पड़ेगा, अगर समान नहीं बनेंगे, कर्मातीत नहीं हुए होंगे तो तुम्हें सजाएं खाने के लिए रुकना पड़ेगा। तो साथ जाना है तो कर्मातीत बनना है तो स्वराज अधिकारी बनना होगा। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। रूलिंग पावर तो अपने अनादि आदि संस्कारों के आधार से हर संकल्प बोल कर्म करना। कंट्रोलिंग पावर माना अचानक कोई भी कमांड आपने मन बुद्धि को दिया तो वो कमांड मन बुद्धि माने। जैसे एक होता है गाड़ी चलाना आना, दूसरा होता है ब्रेक यूज़ करना आना, है ना। कहते हैं गाड़ी बहुत अच्छी चला सकते हैं, है ना, जहाँ चलाना चाहे वहाँ ले जा भी सकते हैं, लेकिन ब्रेक लगाना नहीं आता तो ऐसे की गाड़ी में बैठोगे, कहेगा बहुत अच्छी चला सकते हैं, चलती चली जाती है, मंजिल तक भी पहुंच जाती, बस ब्रेक लगाने को मत बोलना, ब्रेक नहीं लगती इसमें। तो बाबा कहते ऐसा नहीं है ना, गाड़ी चलाना भी आए कि जिस दिशा में, जिस लक्ष्य के साथ हम कर्म करना चाहते हैं वो भी कर सके, लेकिन अगर अचानक ब्रेक भी लगानी हो तो वो ब्रेक भी लगा सके, उसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। तो बाबा कहते हैं कि जैसे बच्चों को कहा कि आप 4 घंटे का याद का चार्ट रखो, तो 4 घंटे अपने आप को पुरानी दुनिया में जो भी चल रहा है या जो भी आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, मान लो सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें से 4 घंटे आप निकाल कर बाबा की याद में बैठो, तो बाबा के, तो बच्चे कहते नहीं 2 ही घंटा हो पाएगा। तो बाबा कहते ये कंट्रोलिंग पावर नहीं है। या कहते जब ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है तो शरीर से स्थिर हो जाते पर मन बुद्धि एकाग्र नहीं होते, तो वो कंट्रोलिंग पावर नहीं है, है ना। तो बाबा इसलिए कहते कि कंट्रोलिंग पावर भी चाहिए, कि जैसे ही आपको, इसलिए बाबा के घर में अगर आप सेवा में बहुत रहते हैं ना, तो सेवा में कंट्रोलिंग पावर की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि जैसे अभी आपको कहा जाओ भाई शीशे क्लीन कर दो, तो आप शीशे क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद कोई आ गया तो कहो जब कोर्स करा दीजिए ना, वो छोड़ दीजिए, अभी उसको छोड़ के ना ये कोर्स कराओ, तो आप कहेंगे अभी तो मैं शीशे क्लीनिंग जोन में हूँ, अभी तो
कोर्स नहीं करा सकते, तो फिर आपको अगली बार ना शीशे क्लीन करने के लिए देंगे ना कोर्स कराने के लिए देंगे, कहेंगे जाके योग करो, अपनी स्थिति बनाओ, कुछ भी नहीं आता आपको। तो बाबा क्या कहेंगे कि ये जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है, स्विच ऑन स्विच ऑफ करना नहीं आता, जिस समय जो ऑर्डर मिला अगर उस प्रकार चलना नहीं आता, तो फिर अंत में कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे? क्योंकि अंत में मान लीजिए मनसा सेवा कर रहे हैं और उसी समय अपने जाने का समय हुआ, तो स्विच ऑफ करके बाबा की याद में स्थित होके जा सके ना। तो ये कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़रूरी है। और कंट्रोलिंग पावर के, और बाबा ने कहा ना, जब सेवा का ऑर्डर मिले सेवा कर सको, जब याद का ऑर्डर मिले याद कर सको, जब कहा जाए फुल स्टॉप हो जाओ तो फुल स्टॉप हो सको, इतना हमारा नियंत्रण मन बुद्धि पर होना चाहिए। ऐसे नहीं आज मेरा मन तो याद में बैठने का था और सेवा दे दी गई तो मेरा मन वहीं याद के, है ना, मैं योग भट्टी में लगा रहा और सेवा में मेरा मन नहीं लगा, तो आपने दोनों तरफ ही गंवाया ना, फिर कमाई कहाँ की? ना तो योग किया ना सेवा की। सेवा अनमने मन से की तो उसका भी खाता जमा नहीं हुआ, और योग में भी आप बैठ नहीं पाए, योग मिस किया, योग किया तो नहीं ना। लेकिन अगर आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करना जानते हैं, तो फिर भले सेवा में है, आप जितना पॉसिबल है उतना बाबा की याद में रह के कर लें। तो ये बाबा हमें कहते हैं, ये कंट्रोलिंग पावर भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ रूलिंग पावर नहीं कि मैं जैसा संस्कार इमर्ज करना चाहता हूँ वैसा करूँ, नहीं, जो ऑर्डर मिले उस प्रकार से भी चल सकूँ। फिर वो ऑर्डर अभी तो बाबा के घर में जब हम होते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्डर देते हैं, है ना, लेकिन वो जो ऑर्डर है वो अभी क्यों दिया जाता है? ताकि आपकी वो प्रैक्टिस हो। क्योंकि जब प्रकृति ऑर्डर देगी, समय ऑर्डर देगा, तो उस समय भी हमें उस ऑर्डर के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसीलिए बाबा हमें इतना कंट्रोलिंग पावर से भरपूर बनाते हैं कि जब अंत समय आए और ड्रामा का इशारा मिले, तो उस इशारे के आधार से हम बिल्कुल कर्मातीत स्थिति में अंतमते सोगति को प्राप्त कर सकें। तो है कंट्रोलिंग पावर, ऑर्डर प्रमाण चलना आता है मन बुद्धि को, है ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, आगे बैठे हैं, आपको बोला यहाँ से उठ के पीछे बैठना है ना, उठाया पीछे बिठा दिया, पीछे बैठे बैठे आगे वाले को देख रहे हैं किसको बिठाया, ऐसा मेरे मेरे को उठाकर किसको बिठाने की अर्जेंसी हो गई इनको, तो वो क्या है, स्विच ऑन स्विच ऑफ थोड़ी हो पा रहे हैं, है ना। आप बैठे आप क्यों थे, क्लास सुनने के लिए, क्लास ही तो आप नहीं सुन रहे हैं, पीछे भी क्लास सुनाई तो दे रहे हैं ना, पर क्लास नहीं सुन रहे हैं क्योंकि मन बुद्धि में कंट्रोल नहीं है। तो बाबा कहते जैसा ऑर्डर मिले वैसा चलना सीखो, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी, अगर आप ये एटीट्यूड रखते हैं ना कि ये मेरी कंट्रोलिंग पावर की प्रैक्टिस है कि मुझे जो ऑर्डर मिले मैं उस प्रकार चलूं, है ना। मुझे एक बार एक मधुबन में एक भाई है, तो उनसे मैं बात कर रही थी, तो मैंने उनको कहा आप अपना अनुभव सुनाएं, तो मुझे कहते हैं आपको कौन सा अनुभव सुनना है, नया जो मुझे शुरू शुरू में लगता था या जो अभी मुझे मेच्योरिटी से समझ में आता है? तो मैंने कहा जो आपको ठीक लगे सुना दीजिए, इतना मुझे सब पता नहीं है कि कौन सा अनुभव मुझे ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो मुझे कहते हैं कि जब मैं शुरू शुरू में आया ना, तो मुझे लगता था कि मधुबन में रहने की एक ही क्वालिफिकेशन है कि आप रोबोट बन जाओ, है ना, आपको जो कमांड मिले वो करो, है ना। बोला ये सामान उठा के रखो तो रख दिया, यहाँ बैठे रहो तो सारे दिन बैठे रहो, ये करो ये तो कर लिया, यहाँ ये नहीं करो अब छोड़ दो तो छोड़ दिया। लेकिन वो कहते कि ये जो मेरी ट्रेनिंग हुई,
तो आज मेरे अंदर इतनी समझ है, आज वो जो कंट्रोलिंग पावर की, उस समय उन्होंने ये शब्द यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये ट्रेनिंग है ना, कि कंट्रोलिंग पावर इस प्रकार से आती है। हम सोचे हम अपने कमांड से चले, उसमें कंट्रोलिंग पावर डेवलप नहीं होती। कंट्रोलिंग पावर एक्सटर्नल कमांड से डेवलप होती है। इसीलिए बाबा ने हमें कंट्रोलिंग पावर के लिए कुछ और विधियां भी बताई हैं, जैसे अमृत वेले समय की घंटी से आपको उठना है। आपको मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं, आपको बुद्धि को सेट करके बाबा की याद में बिठाना है ना, ये समय की घंटी से करना है, ये कंट्रोलिंग पावर डेवलप करता है। ट्रैफिक कंट्रोल कंट्रोलिंग पावर डेवलप करने का बहुत अच्छा की विधि है, क्योंकि जैसे ही वो बजा तो आपको सब कुछ छोड़ के बाबा की याद में उस समय स्थित होना है। तो ये भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं कंट्रोलिंग पावर डेवलप करने के लिए। और अगर आप सेवा में रहते हैं, निमित्त के साथ अच्छा इंट्रैक्शन है, तो उठ कहे तो उठो, बैठ कहो तो बैठो, तो वो बहुत अच्छा कंट्रोलिंग पावर डेवलप करने का की विधि होती है ना। और वैसे भी बाबा कहते हैं जब कंट्रोलिंग पावर होगी, रूलिंग पावर होगी, दोनों होगी, और ऐसा भी नहीं कि कमांड नहीं मिला तो पता नहीं क्या करना है ना। तो कंट्रोलिंग पावर भी है, रूलिंग पावर भी है, कमांड से भी चलना आता है, खुद से भी चलना आता है। जब कमांड नहीं भी मिला तो भी अपने श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज करके चलना आता है। तो दोनों जब आता है तब हम विश्व राज अधिकारी बनते हैं। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि बाबा इंद्रियों की सभा लगा, राज दरबार लगाते थे रोज़। बाबा कहते इनको कॉपी दिखाओ मेरी, है ना, कि मैं तो अपनी इंद्रियों का रोज़ चार्ट लेता था कि आज आँखों ने क्या गफलत की, कान ने क्या गफलत की, मुख ने क्या गफलत की, मन ने क्या गफलत की, है ना। आपके राज कर्मचारी है ना, तो अगर आप उन राज कारोबारियों की रोज़ दरबार नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो मनमानी करने लगेंगे, है ना, मनमानी करने लगेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए रोज़ अपने कर्मेंद्रियों की सभा लगाओ। लेकिन कर्मेंद्रियों की रोज़ सभा लगाने के लिए आपको बहुत अच्छा राजा होना होगा क्योंकि अगर राजा में शक्ति नहीं है तो क्या सोचता है कि, है ना, कई आजकल कहते हैं हम इतने कंट्रोल फ्रीक नहीं हैं। लेकिन कंट्रोल फ्रीक मत बनो, लेकिन कंट्रोल करना तो आना चाहिए ना। अगर कंट्रोल करना भी नहीं आता तो वो एक कमी है, है ना। तो कंट्रोल करने के लिए जो बेस्ट विधि क्या है, मान लीजिए आप एक देखो आज बाबा हमें कितने सारे इशारे में भी बात समझाते हैं। मानो आप एक संगठन में रहते हैं, वहाँ पर भी आपको एक कंट्रोल तो एक्सरसाइज करना है ना, तो उसकी सबसे अच्छी विधि क्या है, रोज़ इकट्ठे एक बार मिलो, बातचीत करो, वो कंट्रोल करने की विधि होती है ना। अगर कोई किसी से मिलेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, तो मनमानी ज़रूर करेंगे। तो जब ये बातचीत होती है तो उसमें वो भी अपना कुछ बताएं कि आज क्या किया, आप भी उनको डायरेक्शन दें, तो उससे एक संगठन में जो डिसिप्लिन आता है। तो बाबा कहते, बाबा तो ये वाली कचहरी भी लगाते थे ना, कि और ख़ास मम्मा लगाती थी ये कचहरी, कि जितने भी भाई बहने होते थे वो इकट्ठे होते थे और फिर सब अपनी अपनी कोई बात जो रखना चाहते वो रखते थे, और फिर मम्मा उस पर इंस्ट्रक्शन देते थे। तो बाबा कहते जैसे स्थूल संगठन में कचहरी लगाते हो, ऐसे कर्मेंद्रियों की भी कचहरी लगाओ, उनका भी रोज़ ब्यौरा लो कि आज आँखें सारे दिन क्या कर रही थी, कान क्या कर रहे थे, है ना, या मुख से क्या शब्द निकल रहे हैं, हाथों से क्या किया, किस प्रकार की लेन देन रही। दृष्टि वृत्ति की भी कचहरी लगाओ कि आज दृष्टि क्या देख रही थी। तो बाबा कहते
ये कचहरी जब लगाएंगे ना, जब इस प्रकार से, और फिर अपनी जो डिसिप्लिन उनको सिखाना है वो भी ऑर्डर देकर चलाओ अपनी कर्मेंद्रियों को, चलाते हैं इतना। हाँ, अच्छा राजा बनना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि गिव अप करना तो बहुत ईजी होता है, जिसका जो मन है करे। अरे जो मन है करे, तो फिर आप लक्ष्य तक कैसे पहुँचेंगे? तो लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, और जो अपने पे लीडरशिप ना कर पाए तो फिर दूसरों पे लीडरशिप कैसे होगी, है ना? और दूसरों पर हम लीडरशिप क्यों नहीं कर पाते, है ना? कई ऐसे कहते हैं, अभी हम जाएंगे ना, फिर कुछ बोल देंगे, फिर उनको बुरा लगेगा। तो आप पहले सीखो ना कि कैसे जाके नहीं बोलोगे, जो बोलना है वही बोलोगे। ऐसे तो फिर बाहर लीडरशिप ख़त्म ही हो जाएगी। तो पहले स्व पर, फिर बाहर। और बाबा कहते हैं ऐसे चलेंगे चलाएंगे तब तो जाकर विश्व राज अधिकारी बनेंगे। और बाबा आज बहुत अच्छा एक टास्क देते हैं, है ना? वैसे मधुबन निवासियों को खास देते हैं, और उसके बाद बाबा डबल फॉरेनर्स की भी, और फिर हर जोन की बात करते हैं कि टास्क ये है कि हम स्वराज अधिकारी का संगठन बनाएं। जो इस प्रकार स्वराज अधिकारी ग्रुप है, जो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने अंदर सदा धारण करते हैं। और बाबा एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ठीक है अपनी जिम्मेवारी तो आपने ले ली, लेकिन मान लो संगठन में रहते हैं तो कोई दूसरा है जो कोई ऐसा कर्म कर रहा है जो श्रीमद् प्रमाण नहीं है, तो क्या उस समय भी आप अपने श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज कर, उसकी बात को मर्ज करके उसको शक्ति दे सकेंगे? क्योंकि क्या होता है, कई बार कहेंगे कि मैं तो श्रेष्ठ संस्कारों में ही रहता हूँ, लेकिन आप रह के देखो ना इनके साथ, आपके भी कोई श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज नहीं होंगे। लेकिन बाबा कहते हैं क्या सबके बीच रहते, सबकी बातों को देखते हुए भी हम अपने श्रेष्ठ संस्कारों में स्थित रह सकेंगे, या वहाँ पर समाने की शक्ति की कमी के कारण उसका संस्कार मेरा संस्कार बन जाएगा, या उसके जो कर्म है वो मेरे अंदर कुछ ट्रिगर करने लगेंगे? तो ये भी बाबा कहते हैं, क्योंकि बच्चों का क्या है कि बच्चों को जब बाबा चार्ट पूछेंगे तो बच्चे कारण बता देंगे कि हमने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी, बाकी इसने इसकी वजह से सारा खराब हो गया। तो ये भी बाबा समझाते हैं। तो आज वरदान स्लोगन भी बहुत मीठे हैं, थोड़ा स्लोगन को ले लेते हैं। बाबा कहते हैं कंप्लेंट की फाइल को ख़त्म कर, है ना, रिफाइन और रिफाइन बनो। कंप्लेंट जो है, कंप्लेंट का रूट कॉज होता है ब्लेम, है ना? और जब तक हम ब्लेम रखेंगे मेरे कर्मों के लिए वो जिम्मेवार है, तो आप अपने कर्मों की जिम्मेवारी उठा ही नहीं रहे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे अपने कर्मों की, क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ उनकी वजह से। तो जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं रह रहे कर्मों की, तो उसको चेंज कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं फाइन और रिफाइन आपको बनना है। और अगर आप ये समझते रहे मैं तो फाइन और रिफाइन हूँ ही, सिर्फ उसकी वजह से ये मेरे कर्मों में प्रॉब्लम आती है, तो आप फाइन और रिफाइन बनने से रह जाएंगे। क्योंकि देखो, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि जो भी हमारे अंदर ट्रिगर होता है वो भले ही सामने वाले के कर्मों के से स्टिम्युलेटेड होता है, लेकिन वो ट्रिगर इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे अंदर है। और जब कोई चीज़ ट्रिगर होती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप देख पाए कि मेरे अंदर क्या है। पर अगर उस समय हम कंप्लेंट जोन में चले जाएं, तो फाइन और रिफाइन बनने की जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो वेस्ट हो जाती है। इसलिए बाबा कहते कंप्लेंट की फाइल ख़त्म करेंगे तो फाइन और रिफाइन बनेंगे। कई बार आप देखना संगठन में कोई बात होती है तो कोई कहेगा कि आप ये इम्प्रूव करो, तो कहेंगे आप मुझे क्यों कहते, इनको क्यों नहीं कहते?
तो आपकी बात आपको कहेंगे ना, इनकी बात इनको कहेंगे, तो कहेंगे नहीं मेरे सामने कहो। अब सामने कहें तो उसमें क्या होता है, आप तो अपनी ईगो फीड कर रहे हैं ना कि बस इनकी गलती की वजह से मेरी गलती थी। अब ऐसा तो नहीं है कि जो आपको कह रहा है वो उनको नहीं कह रहा, लेकिन आपकी बात आपको कही जा रही है, आप उसको धारण करो, दूसरे की बात में आप नहीं जाओ, क्योंकि आपका लक्ष्य है खुद अपना पद निर्धारित करना। ओके, ओम शांति।